भी आरक्षण होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो फिर आप क्या की पूरी है। हमको भरोसा है कि ये सरकार हमको न्याय दे। हमने कंटिन्यू नहीं किया तो कंटिन्यू के लिए हम उसके लिए तैयार हैं। मराठा भाई और दूसरे जो भी है उसको लगता है कि जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अब मुस्लिम समाज, मगर हम पे जो न्याय अन्याय हो गया हमारे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे एक से दो पीढ़ी का अहवाल आके सच्चर कमेटी अहवाल के अगर वो समय पे लागू होता तो एक दो पीढ़ी को उसको न्याय मिल जाता था और आर्थिक और शिक्षण में स्थिति आज तो ये है कि 0% गवर्नमेंट सर्विस में मुस्लिम और आर्थिक स्थिति क्या हुई वो नहीं। एक का किसका इसका है सच्चर का रिकॉर्ड कर लो और इसका दूसरा एकीकडे मराठा आरक्षणावर अद्याप तोडगा निघालेला नसतानाच आता दुसरीकडे मुस्लिम समाज देखील आरक्षणासाठी आक्रमक झालेला आहे। नेमकं मुस्लिम समाजाचं काय म्हणणं आहे आपण जाणून घेऊयात। आपल्या सोबत मुस्लिम जनजागरण समितीचे अध्यक्ष मोहसिन अहमद सर आहेत। सर नेमकं काय मागणी आहे आपली, नेमकी काय भूमिका आहे? मेरी मागणी ये है कि सबसे पहले जो है मराठा भाइयों का जो आरक्षण है उसको हमारा जाहिर समर्थन है, ये सभी को मालूम, और उन्होंने भी मुस्लिम समाज को समर्थन दिया था। हमने साथ में रैली निकाले थे एक मराठा लाख मराठा में उस टाइम में, और मुस्लिम समाज को 2014 में रिजर्वेशन दिया गया था तो मराठा समाज को भी दिया गया था, मगर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकार दिया और मुस्लिम समाज को हाई कोर्ट ने जो है रिजर्वेशन देना कि तालीम में इनकी स्थिति बहुत कम है मान्य किया था। ये आपको मालूम है और ऑफ द रिकॉर्ड है। सच्चर कमेटी अहवाल 2006 में आया है और उसके बाद से अभी तक जो है 17 साल के ऊपर हो गए हैं मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। हमारी एक दो पीढ़ी का लॉस हुआ इसमें एजुकेशन में और आर्थिक स्थिति में। देश में स्वतंत्र होकर आज 76 साल हो गए और 76 साल में सच्चर कमेटी ने और दूसरे आयोगों ने जो अहवाल दिया उसमें मुस्लिम की स्थिति बताया है तफसीली और वो ऑफ द रिकॉर्ड है। मुस्लिम समाज को इस बार रिजर्वेशन मराठा समाज के साथ देना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। अगर हमारे को इसमें जो है उन्होंने रिजर्वेशन नहीं देते तो हम फिर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे मुस्लिम समाज के लिए, और मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए ऐसी हमारी महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज जन जागरण समिति अध्यक्ष नाते मैं मोहसिन अहमद याचिका दाखिल करूँगा शासन के खिलाफ। नहीं अभी तो मराठा आरक्षण का सब मामला चल रहा है, सरकार की अभी बैठक वगैरह वो सब शुरू है कि कैसे आरक्षण दे सकते हैं, तो इन सब में आपको आरक्षण मतलब कैसे आप सरकार से ये कर रहे हैं? पहले दिया हुआ आरक्षण है हमारा, ऑफ द रिकॉर्ड है, उसको कोर्ट के ऊपर गया है मैटर ये, और वो कोर्ट ने ही रिजेक्ट किया है हमारे मराठे भाइयों का, उन्होंने ही रिजेक्ट किया टेक्निकल जो बाजू है उनकी, और वो नीचे जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी किया है, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है, उसमें वकील भी बदले हैं गए बार सरकार में, पर मुस्लिम समाज को हाई कोर्ट ने नहीं ना करा है। मुस्लिम समाज को देना रिजर्वेशन ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो हमको कोई अड़चन नहीं है, तो हमारा पूरा बेस है इसके अंदर। तो अभी क्या मांग है मतलब आरक्षण? अभी यही है कि हमारे मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए, पहली और आखिरी मांग। इसमें आप किसको देना किसको नहीं देना वो उनकी बाजू है, मगर मुस्लिम समाज अभी मराठा अभी मुस्लिम समाज किसी भी हाल पे माफ़ करना इस बार खामोश नहीं बैठेंगी। थोड़ा आगे जाके बोलता हूँ मैं आपको, जब देश स्वतंत्र हुआ था आज से जो है 76 साल पहले तो 75,000 लोगों ने बलिदान दिए थे, सब जाति जमाती के लोगों ने, गेट ऑफ इंडिया पे ये पूरी डिटेल्स लिखी है, उसमें सिर्फ 61,000 मुस्लिम समाज ने अपनी जान का बलिदान दिए थे। इसलिए हमारा ये बोलना है कि मुसलमान देश का वफादार आदमी है और उसको अगर अब अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हम हमारे बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए और मुसलमानों की आर्थिक परिस्थिति जो देखे उसके लिए हम किसी भी हाल पे अब कंप्रोमाइज शासन से नहीं करेंगे, कोई पार्टी से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी मराठा आरक्षण के लिए जीआर की मांग हो रही है कि जीआर निकालना चाहिए सरकार ने, तो आपकी क्या मांग है? देखिए भाई वो उनकी जो मांग है वो सही है, उनकी तड़प जो सही है हमारा समर्थन, मगर उनकी जो बातें हैं जो है कोर्ट की न्यायालय की वो उनकी अड़चने आपको जाहिर मालूम मुझे भी मालूम है,
मगर मेरा हमारा मुस्लिम समाज का पाटिंबा है और शुभकामनाएं उनके लिए। जीआर के बारे में क्या है आपका? ऐसी मांगनी जो बैठे है ऊपर शंकु, उन्होंने कहा है कि आप 4 दिन में जीआर निकालो, 4 दिन में मुसलमान के साथ उन्होंने जीआर निकालना। ये तो आज हिंदू भाई बैठे, कल हमारे मुसलमान भाई पूरे सड़कों पे निकल के आएंगे, पूरे राज्य के अंदर आएंगे, पूरे देश के अंदर आएंगे। मतलब मराठा समाज के साथ मुस्लिम समाज को भी आरक्षण का जीआर बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमारा हक तो दूसरे कास्ट से सबसे पहले, मगर आप जिसको भी देते हैं शासन देव वेलकम, हमारा कोई वो नहीं, मगर मुस्लिम समाज को किसी भी हाल में नाकारा नहीं जाएगा। हम ये बर्दाश्त करेंगे नहीं और हम ये रुकेंगे नहीं। हमारा जो जायज़ हक है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और जो हमारी रिपोर्ट है सच्चर कमेटी और दूसरों के आयोग को, हम हमारा हक लेके लेंगे। और कैसा लेने का आता है हमको मालूम है, वोट के मतदान के उसमें भी आता है, बाकी में उसमें भी आता है, हम इसमें अब खामोश बैठने वाले नहीं। पण पाहतो आहे एकीकडे मराठा आरक्षणावरूनच खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर वातावरण तापलेलं आहे, त्याचे पडसाद राज्यात ठिकठिकाणी उमटताना पाहायला मिळत आहेत, आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता मुस्लिम समाजानं देखील आरक्षण देण्याची मागणी केलेली आहे। मराठा समाजाचा जो जीआर सरकारकडून काढला जाईल, म्हणजे अजून तोडगा निघाला नाही, पण जर मराठा समाजाची जी मागणी आहे की सरकारने जीआर काढावा, तो जर जीआर काढण्यात आला तर त्यामध्ये मराठा समाजासोबत मुस्लिम समाजाचा देखील उल्लेख असावा आणि मुस्लिम समाजाला देखील आरक्षण देण्यात यावं, अन्यथा मुस्लिम समाज देखील रस्त्यावरची आणि कोर्टातमधली लढाई लढायला सज्ज आहे, अशा पद्धतीचा इशारा मुस्लिम समाजाकडून देण्यात आला। कॅमेरामन विकी कदमसह अभिजित सोनवणे, साम TV, छत्रपती संभाजीनगर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम TV सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।